आई थिंक आई वॉज डेस्टीन टू बी एन एक्टर बिकॉज कोई दूर दूर तक मेरा इरादा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगी मैं अपनी जॉब कर रही थी आई एम एन इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एन आई वॉज डेवलपर सो ऐसा हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है जो मुंबई में रहता है और मैं तब पुणे में जॉब कर रही थी सो ही अप्रोच्ड मी एंड माई मदर वॉज वेरी कीन कि चलो ऑडिशन देखे तो देखो एंड आई मेड अ वीडियो ऑन माई फोन एंड सेंड इट तो ऐसे इट हैपन एंड इट क्लिक एक्चुअली अगर वो नहीं होता तो फिर शायद नहीं ही होता पर वो क्लिक हो गया बिकॉज शायद भगवान को चाहिए था कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊँ हाय मेरा नाम है तनवी डोगरा और आज आप हैं परिणीति के साथ पे और आप देख रहे हैं पीप टॉक विथ बालाजी टेलीफिल्म आ, देखो प्रो तो ये है कि हम बहुत सारी लाइफ जी लेते हैं बींग एन एक्टर अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं हमें अलग अलग स्टोरीज में हम काम करते हैं अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं सो so, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बहुत ना आउटस्पोकन और ऐसे जॉली टाइप की लड़की हूँ तो मुझे लोगों से मिलना बातें करना हंसना सब बहुत पसंद है और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करना सो दैट इज अ प्रो ऑफ बींग एन एक्टर एंड कौन तो चलो ये है कि डेली uh, सोप में मेनली कि यू डोंट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ सो एंड नाउ डेज इट्स लाइक मंडे टू संडे हम uh, अगर आपको टेलीकास्ट देना है तो हमें रोज ही शूट करना पड़ता है सो दे इज नो टाइम फॉर फैमिली मतलब टी हाँ वो थोड़ा सा कौन है बट उसके पर्क भी बहुत ज्यादा है बींग पहले तो सीन पढ़ो और अपने कैरेक्टर को समझो अच्छे से और अगर आपके कैरेक्टर को आप आप पकड़ के रखते हो अगर आपको पता है कि आपका कैरेक्टर क्या है जो राइटर जो जो भी मतलब दिमाग में है लोगों के तो वो पोर्ट्रे करना इजी है मतलब अपने आप को बीइंग तनवी तनवी को साइड रख के अगर मैं नीति प्ले करें तो मुझे नीति के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा और उसी उसी से मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा हेल्प करता है वो चीज आपको एक सीन परफॉर्म करने में ट नहीं आज तक <laughs> मुझे पत, मुझे भी नहीं एक्चुअली पता था कि मुझे एक्टिंग आती है क्योंकि इस इंडस्ट्री में आके और परफॉर्म uh, कर कर के मतलब फर्स्ट शो में तो बहुत ही बेकार था बट आई थिंक आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर लाइक मैं पॉलिश हुई हूँ हर शो में अपने और टचवुड आई थिंक आई एम अ लिटिल हार्ड वर्किंग ऑन दैट पार्ट कि जब uh, तक मुझे होता नहीं है ना मैं मैं बहुत नर्वस रहती हूँ तो इसलिए वो जो एक नर्वसनेस और वो डर है ना वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करवा देता है तो मुझे टचवुड अब तक तो ये नहीं हुआ है कि अ बैड एक्टर ग्रेस ऐसा नहीं हुआ है हाँ 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 बस और दूसरे ऑप्शन मुझे चाहिए ही नहीं <laughs> रणबीर ही है बस वो <laughs> I don't know yaar actually मतलब मुझे नहीं पता because presently I'm not dating anyone and I I'm waiting for that someone special in my life but uh, I don't know if अगर fan को नहीं बट हाँ पर fan को भी हो सकता है प्यार तो मतलब अगर हम वो बाद में मुझे बताए कि मैं तो आपको fan था हाँ <laughs> huh. तो हो सकता है क्यों नहीं हो सकता हो तो सकता है। यार मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है तो मैं पास्ट में ही जाना चाहूंगी मतलब पता नहीं क्यों वो जो जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े हो जाएं बड़े हो जाएं बड़े हो जाएं हम अपने स्कूल टाइम में भी होते हैं जब जब हम जूनियर होते हैं और सीनियर्स होते हैं हमारे हाई स्कूल वाले हमें so, लगता है कि हाँ हम 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 कब टेंथ में पहुंचेंगे हम कब ट्वेल्थ में पहुंचेंगे कब सीनियर्स बनेंगे बट वेन वी एक्चुअली पास दैट फेज ऑफ आर लाइफ डेज सो पता नहीं क्यों मुझे पास्ट में जाना है यार मतलब पास्ट में जाना चाहूंगी फ्यूचर के अलावा पेशेंस होनी चाहिए okay. तो आप स्मूथली सब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपने स्टार्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बालाजी टेलीफिल्म का यूट्यूब चैनल